Morning students, how are you all? I hope you all are okay. So students, our today's topic is these and those. Okay? Our today's topic is these and those. So what is the meaning of these? They are used when the objects and people we want to point out are plural. These कभी होता है जब होता है जब कोई object और पेपर जिनको हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो क्या हो प्लूरल. वी ऑल्सो यूज दीज टू इंडिकेट दैट दिस ऑब्जेक्ट और पेपर आर नियर बाय. और हम दीज को इसलिए भी यूज करते हैं ये इंडिकेट करने के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है या फिर जो पेपर है वो क्या है नियर बाय पास. ओके पास के लिए यूज होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज. दोज आर यूज्ड to indicate distant objects or people. जो दोज यूज होता है वो indicate के लिए यूज होता है object और people. And we can use those. और हम दोज को किसी और चीज के भी यूज कर सकते हैं when these distant people and object are in the plural state. जब ये कोई जब people या फिर जो भी object है वो क्या हो plural state में हो. ओके तो ये हमारा मीनिंग है दीज का हमारा दोस्त. ओके स्टूडेंट एंड नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज एंड दोस. फर्स्ट दीज आर कैट्स. हमने यहाँ पर दीज क्यों यूज किया बिकॉज जो कैट्स है वो क्या है नियर है पास है. तो जो चीज पास होती है उसमें हम यूज करते हैं दीज एंड जो चीज दूर होती है उसमें हम यूज करते हैं दोस. कैट नियर थी पास थी तो हमने क्या यूज करा दीज. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीज. टी एच ई एस ई दीज. टी एच ई एस ई दीज. नेक्स्ट दोज आर फ्लावर्स. दोज आर फ्लावर्स. अब यहाँ पर दोज क्यों यूज हुआ व्हाई बिकॉज जो फ्लावर्स है वो क्या है फार है दूर है. जैसे कैट्स के थी पास थी तो उसके लिए यूज किया दीज. एंड फ्लावर्स फार है दूर है तो उसके लिए यूज हुआ दोज. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दोज. टी एच ओ एस ई दोज. टी एच ओ एस ई दोज. नेक्स्ट दीज आर एप्पल्स. एप्पल्स पास थे नियर थे तो हमने क्या यूज करा दीज. ओके हमने क्या यूज किया दीज. दीज आर एप्पल्स. नेक्स्ट एंड लास्ट इज दोज आर काइट्स. हमने काइट्स के लिए दोज क्यों यूज किए बिकॉज जो काइट्स होते थे दूर थी फार तो उसके लिए यूज हुआ दोज. दोज आर काइट्स. टी एच ओ एस ई दोज. ओके फर्स्ट दीज आर कैट्स. नेक्स्ट दोज आर फ्लावर्स. नेक्स्ट दीज आर एप्पल्स. बलून्स क्या है नियर है पास है. सो वी विल चेक हियर एंड हियर. हियर दिस इज द राइट आंसर. दीज दीज आर बलून्स. टी एच ई एस ई दीज आर बलून्स. बलून्स क्या है पास है तो राइट आंसर क्या है दीज. नेक्स्ट डैश आर काइट्स.
So which is the right answer? These and those. These and those. Which one is the right answer? What we will write here? Kites ke hai, paas hai, near hai. So these is the right answer. So we will write here these. These are kites. Next. Dash are cats. So we will write here these and those. Cats kya hai? Door hai. Door hai. तो जो चीज far होती है उसके हम ये use करते हैं these और those. So those is the right answer. So we will write here those. THOSE those. Those are cats. Okay. Next is dash are apples. So which one is the right answer? These and those. What we will write here? Apples kya hai? Pass hai? Near hai? Jab koi cheez humse pass hoti hai, near hoti hai, hum these use karte hai. This is the right answer and we will write here these. These are apples. Okay. And next is dash are cups. So these is the right answer or those is the right answer? What we will write here? Cups. Far hai, door hai. तो जो चीज पार होती है दूर होती है उसके हम क्या यूज करते हैं दोस THOSE दोस. सो वी विल राइट हियर दोस. दोस आर कप्स. ओके. फर्स्ट दीज आर बलून्स. बलून्स पास था तो हमने यहाँ पर दीज यूज करे THESE. These are balloons. Next, these are kites. Kites pass thi, to humne kya likha yahan pe? These. 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 Next is those are cats. Cats far hai, door hai, to hum yahan par those likha THOSE. Those are cats. Next, these are apples. Apples pass थे तो हमने क्या लिखा these are apples. And next is dash are cups. Cups दूर थे तो हमने यहाँ पे लिखा those are cups. Okay students, okay, now here we go to another worksheet of these and those. Okay, these इसके लिए होता है near के लिए एंड दोस्त उसके लिए होता है फार के लिए. जो दूर की चीजों के यहाँ पे हम ये यूज करेंगे दोस्त एंड जो पास का अगर नियर उसके हम यूज करेंगे दीज. ओके, तो वी विल डू वर्कशीट ऑफ दीज इन दोस. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट डैश आर काइट्स. डैश आर काइट्स. सो काइट्स नियर है, फार है, दूर है, पास है. काइट्स क्या है? फार दूर है. यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट दोस. THOSE दोस. दोस आर काइट्स. दोस क्यों यूज हुआ? बिकॉज काइट्स क्या है? फार है. तो हमने यहां पर क्या यूज किया? Those. THOSE those. Okay. Next. Dash are flowers. Dash are flowers. So what we will write here? These are those. Flowers kya hai? Near hai, past hai. So we will write here
these. T H E S E. T H E S E D. These are flowers. हमने यहाँ पे these क्यों लिखा? क्योंकि flowers के थे past के near थे. That's why. हम यहाँ पर these. Next. Dash are stars. Stars near है, पास है या दूर है? Stars के है, दूर है, far है. So we will write here those. T H O S E those. Those are stars. Okay. Now next is dash are balls. Dash are balls. Balls क्या है? Balls भी दूर है, far है. तो जो चीज दूर होती है उसके लिए यूज करते हैं those. So we will write here those. Okay, those are balls. Now next and last is dash are trees. Dash are trees. तो trees क्या है? पास है ये दूर है? Trees पास है, near है. So we will write here these. T H E S E these. These are trees. First is those are kites. Kites far थी तो यहाँ पे क्या लिखा है? Those. T H O S E those. Those are kites. Next these are flowers. Flowers से थे, पास थे, near थे, तो यहाँ पे क्या लिखा? These. T H E S E these. Next those are stars. Stars far दूर थे तो हमें यहाँ पे क्या लिखा? Those are stars. Next those are balls. Those क्यों यूज हुआ? Because जो balls होते हैं far. Next these are trees. Trees पास में थे तो हमने ये यूज करा these. T H E S E. So our topic these and those completed here. And what is the spelling of these? T H E S E. And what is the spelling of those? T H O S E. Okay, our topic is completed here. Bye bye students, take care.